दिल्ली से गुरुग्राम में स्वाइन फ्लू से 71 साल के बुजुर्ग की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मरीज को स्वाइन फ्लू के साथ बीपी और शुगर की भी तकलीफ थी। बता दें कि स्वाइन फ्लू से गुरुग्राम में अब तक 5 मौतें हो चुकी हैं। स्वाइन फ्लू के मामले में गुरुग्राम ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले 4 सालों की बात करें तो इस साल स्वाइन फ्लू के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। आंकड़ों पर गौर किया जाए तो गुरुग्राम से कुल 328 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 90 मामलों की पुष्टि की गई है। वहीं स्वाइन फ्लू से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़ों की बात की जाए तो 2015 में स्वाइन फ्लू के 101 मामले सामने आए और 37 मामले कंफर्म किए गए। मई 2016 में सिर्फ 10 मामले ही सामने आए, जिसमें से एक भी मामले की पुष्टि नहीं हुई। साल 2017 की बात करें तो शहर में स्वाइन फ्लू के 12 मामले ही दर्ज किए गए, जिनमें से एक भी केस को कंफर्म नहीं हुआ। वहीं इस साल लंबी छलांग मारते हुए स्वाइन फ्लू के 328 केस अब तक दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 90 मामलों की पुष्टि हो चुकी है और कहीं 6 लोगों की स्वाइन फ्लू के चलते मौत हो चुकी है। बता दें कि स्वाइन फ्लू के ज्यादातर मामले गुरुग्राम के शहरी इलाके से ही दर्ज किए गए हैं। डेथ हुई 40 में। कौन सा हॉस्पिटल? 40 और ये एडमिट हुए थे 28 मार्च को। नहीं नहीं नहीं, और भी थी उसको। और भी थी? हाँ, डेट ऑफ डेथ 3 अप्रैल। तो मतलब इनको साथ में ना डायबिटीज, मल्टीपल डिजीज थी। मतलब तो उसे माना जाएगा कि स्वाइन फ्लू से ही मौत हुई है? मतलब एसोसिएटेड बोलते हैं हम इसको, एसोसिएटेड। तो स्वाइन फ्लू के कारण नहीं, क्योंकि क्रोनिक डिजीज पहले से थी। एडिटिव इफेक्ट हो जाता है, स्वाइन फ्लू हो जाता है। क्या हो गया ये सब टोटल अभी तक? 6 सर, मैं सेक्रेटरी टाइम हॉस्पिटल आया था सर, डेंगू का देंगे। ठीक है। सर, स्वाइन फ्लू को लेकर एक और डेथ का मामला सामने आए हैं, क्या केस था ये और किस? ये अभी 3 अप्रैल को एक डेथ हुई है 40 हॉस्पिटल में। ये 71 ईयर मेल थे, ये रेजिडेंट थे सेक्टर 48 गुड़गांव के रहने वाले, और ये 28 मार्च को एडमिट हुए थे 40 हॉस्पिटल में। तो इनको जो है और भी क्रोनिक डिजीज थी, जैसे डायबिटीज़, बीपी, यूटीआई और प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी। तो ये एसोसिएटेड डेथ थी, हम टोटली ये नहीं कह सकते कि ये स्वाइन फ्लू के कारण ही है। तो एसोसिएटेड क्रोनिक डिजीज़ थी, तो इसलिए अब ये लेटेस्ट डेथ हुई है। इसके अलावा कितनी डेथ अभी तक जो है शहर में स्वाइन फ्लू की वजह से हो चुकी है? अभी तक जो एसोसिएटेड डेथ हैं 5 और एक ये मिला के 6 डेथ हुई हैं अभी गुड़गांव के अंदर। तो 2009 अगर डेटा की अगर बात की जाए तो पिछले सालों का अगर हम जिक्र करें तो किस तरह से देखते हैं इस साल? तो इस साल जो है स्वाइन फ्लू के केसेज हैं वो काफ़ी आए हैं यहाँ गुड़गांव में देखने में। जैसे हम डेटा की बात करें 2015 में 101 सस्पेक्टेड केसेज थे और 37 कन्फर्म केस थे, और इसी तरह 16 में कोई केस नहीं था, 17 में 2 केस थे, 18 में कोई केस नहीं था कन्फर्म। तो 2019 में 328 तो सस्पेक्टेड केस आए हैं, 90 कन्फर्म केस आए हैं। तो इस तरह से स्वाइन फ्लू काफ़ी बढ़ा है गुड़गांव में इस साल। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ काम कर रहे हैं, किस तरह से लगातार स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं? तो स्वास्थ्य विभाग ने हमारे जो IC एक्टिविटी का काफ़ी काम किया है, जिससे हमारे वर्कर हैं जहाँ भी हमें कोई केस मिला तो उसके घर भी गए हैं, उसके आसपास के इलाके में लोगों को अवेयर किया है, वहाँ और भी पता किया है लोगों को, और जगह जगह हमने शहर में होर्डिंग लगाए हैं, और सभी PHC CHC जो भी हमारे हेल्थ वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, स्कूल में जाके जो प्रेयर टाइम होता है सुबह, उसमें जाके लोगों को अवेयर किया है, बच्चों को अवेयर किया है, टीचरों को ट्रेनिंग दी है। तो इस तरह अवेयरनेस का प्रोग्राम हमारा कंटिन्यू चलता रहा है। अगर स्वाइन फ्लू की बात की जाए तो फिर किस किस इलाके में कहां से केसेस अगर नज़र आए हैं, जैसे 6 केसेस की हम बात करें या फिर ज़्यादा केसेस जो बड़े हैं जो कि कन्फर्म हुए हैं? हाँ, ये जो डेथ के केसेस हैं 6, ये अर्बन गुड़गांव के ही हैं, जैसे कि DLA Phase 2, DLA Phase 5, DLA Phase 4, Sector 45, Sector 55 और Sector 48। तो ये अर्बन में ही डेथें हुई हैं ज़्यादातर, और ज़्यादातर केसेज जितने सस्पेक्टेड केसेज हैं ये अर्बन में ही मिले हैं। अर्बन में हुई है इस बार। इसको लेकर स्वाइन फ्लू को लेकर लोगों में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है कि H1N1 अलग एक चीज़ है, स्वाइन फ्लू को आप अलग नाम देंगे, और इसके अलावा बात की जाए तो लोग किस तरह से इससे बच सकते हैं?
ये जो है इसके स्वाइन फ्लू के जो लक्षण हैं, जैसे नॉर्मल जो कॉमन कोल्ड होता है ऐसे ही साइन सिम्टम होते हैं, जैसे बुखार आना, खांसी होना, गले में दर्द होना। तो इसको हम जैसे हमने स्वाइन फ्लू को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। तो कैटेगरी 1 के अंदर जो जैसे माइल्ड सिम्टम आते हैं, खांसी है, बुखार है, चेस्ट पेन है, और कैटेगरी 2 के अंदर है जैसे पेशेंट को चेस्ट पेन है, ब्रेथलेसनेस है, और कैटेगरी 3 जो है थोड़ी सीरियस टाइप की होती है तो उसमें पेशेंट को इंडोर करते हैं। और जो रिपोर्ट आई है हमारे पास जो पेशेंट एडमिट करते हैं वो कैटेगरी 3 में ही करते हैं।